आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग। जिला संयुक्त चिकित्सालय में एक 22 वर्षीय महिला की इलाज के दौरान मौत। 22 वर्षीय महिला सावित्री देवी पत्नी सुरेश निवासी शास्त्री नगर को उल्टी की शिकायत थी। रात को इमरजेंसी में डॉक्टर की कमी थी, जिस डॉक्टर की तैनाती थी वो छुट्टी पर था। इमरजेंसी में जिस फार्मेसिस्ट की ड्यूटी थी जिसने प्राथमिक उपचार तो कर दिया लेकिन रात में मरीज को देखने नहीं गया, जिससे मरीज को डिहाइड्रेशन हो गया और उसकी मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि किसी डॉक्टर के न रहने और सही उपचार न मिलने से मौत हुई। बताते चले कि अभी 3 माह पहले महिला का रोना आया था, वही अपने एक कार्यकर्ता को देखने जिला अस्पताल पहुँचे सांसद जगदम्बिका पाल ने इस मौत की जानकारी ली और मौके पर मौजूद मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को फटकार लगाते हुए इसकी जानकारी चिकित्सा सचिव को दी, जिस पर संज्ञान लेते हुए तत्कालिक कार्यवाही करने का आदेश दिया। सांसद जी ने चिकित्सा अधीक्षक से कहा कि आपके पास रोगियों के खिलाफ कार्यवाही करने के साथ साथ उनके खिलाफ मुकदमा भी लिखवाने का अधिकार है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने महिला की मौत पर कहा कि लापरवाह डॉक्टर के ऊपर कार्यवाही की जाएगी, ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों को ध्यान देना चाहिए लेकिन लापरवाही हुई है, महिला की जान बचाई जा सकती थी लेकिन दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। सिद्धार्थ नगर से अब्दुल्लाह सिद्दीकी की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग। किसकी लापरवाही थी? डॉक्टर की लापरवाही। डॉक्टर ने लेट है, मैं यहाँ लेके आया, एडमिट किया, उसके बाद मैंने ब्लूटूथ लगाए, सिलाग लगाए, सिलासा उसके पेट में ज़्यादा दर्द, पता नहीं एक इंजेक्शन भी लगाए, कहीं भी आराम नहीं मिला। उसके बाद आराम नहीं मिला है तो फिर मैं दोबारा गया, तो मैं अंदर मोहरे दिया है, हमने एक इंजेक्शन लिखे हैं, उसके बाद फिर लगा है, उसके बाद आराम नहीं मिला। हमने कहा सर आराम नहीं मिला, बढ़िया दवा लिख दीजिए ताकि आराम हो जाए, सर लेने का भी आराम हो जाए। किसकी लापरवाही थी आखिर? अब सर दवा भी तो लगाए हैं, अब इतनी हमको जानकारी नहीं है कि कौन सी दवा लगाए हैं, पेशेंट को ठीक होने में कितना समय लगेगा। उसके बाद वो बेड पर पड़ी उल्टी।